के नालाबाट पनि हाम्रो व्यवस्था विकास संसदका सदस्य दिनेश चन्द्र यादवजी उपस्थित अन्य धर्मसँग सम्बन्धित गुरुजी र अरू अन्य विशिष्ट महानुभावहरू हाम्रा सहकर्मी सुरक्षा निकायका साथीहरू लगायत अन्य सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनले सबभन्दा पहिले आई वुड लाइक टु थ्याङ्क द अर्गनाइजर आजको यो व्यवस्था गर्दैहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मलाई यो अनुष्ठान कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका दिनुभयो र वाहेगुरुको समक्ष मलाई पनि प्रस्तुत हुने मौका दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र गुरु नानकज्यूको सम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि र पछाडि पनि धेरै कुराहरू यहाँ भनिने छन् उहाँ महान आत्माले हाम्रो लागि एउटा मार्ग दिएर जानुभएको छ जुन मार्गमा इमान्दारी सत्यता मेहनत परिश्रम र उन्नति आदर्श र नैतिकता जस्ता कुराहरूको मार्ग उहाँले प्रशस्त गर्नुभएको छ र त्यसैले मैले अहिलेसम्म देखेको छु संसारमा सिख धर्मका मान्छेहरू जति पनि छन् सबै मेहनती छन् इमान्दार छन् आदर्शवान छन् नैतिकवान छन् सच्चरित्र छन् र आदर्शमय उनीहरूको जीवन पद्धति मैले देखेको छु मैले महसुस गरेसम्म त्यसैले यो सब उहाँकै देन हो जस्तो मलाई लाग्छ र यो देन र यो मार्गमा जो लाग्नु भएको छ यहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट आजको यहाँ सुमहत्त्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि छ र यहाँ यो सत्सङ्गमा यो अनुष्ठानमा पाल्नुहुने भारतबाट अमेरिकाबाट क्यालिफोर्नियाबाट आएको सबै महानुभावहरूलाई पनि म यस बाँके जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार बाबा विधिचन्द जी उन्हां नूं कि ओह साडे सीडीओ साहब नूं गुरु घर दी बख्शिश सन्मान चिन्ह दे करके सन्मानित करन क्योंकि इत्थों दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दा जिहड़ा है सो निहाल सत श्री अकाल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दा जिहड़ा साथ है वह किसी भी उपराले दे लई साडे लई बड़ी मुख भूमिका निभांदा है असीं तहे दिल तों इन्हां दी शुक्रगुजार हाँ साडे सीडीओ साहब दे जिन्हां ने उचेचे तौर ते इत्थे शिरकत पाई है जी पर आए और आए हुए हमारे जितने भी गणमान्य सज्जन पुरुष हैं उनका स्वागत करें और आज के जो दिन है आज का जो दिन का उपलक्ष्य है उसके बारे में संबोधन करें हमारे माननीय मेंबर पार्लियामेंट दिनेश चंद्र यादव जी आदरणीय मुक्त राष्ट्र भारत अमेरिका और कनाडा तमाम मुल्कों से आए हुए इस समुदाय के महामहिम हेड प्रिस्ट सिंह साहब और हमारे जेदार सिंह साहब इस कार्यक्रम के आयोजक इसकी अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष महोदय जिला प्रशासन कार्यालय से आए हुए हमारे प्रमुख जिला अधिकारी जी राष्ट्रीय अनुसंधान के एसपी साहब एसपी कार्यालय से आए हमारे डीएसपी साहब चाहे प्रमुख जिलाधिकारी जी मंच में आसीन संपूर्ण गुरुजन इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए समस्त उपस्थित आदरणीय मित्रों सर्वप्रथम मैं इस धर्म के
से प्रारंभ कालीन गुरु नानक जी को मैं नमन करना चाहता हूं और वंदन करना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाकर आमंत्रण करके इस आयोजक कमेटी ने जो एक सम्मान प्रदान किया, इस संदर्भ में मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तव में इस नेपाल की धरती पे अल्पसंख्यक के रूप में हमारा ये सिख संप्रदाय का जो बस्ती है, इसके ऊपर विशेष कृपा करके जो अमेरिका और कनाडा से हमारे आदरणीय महानुभावों ने इस सिखन पूर्वा गांव के धरती पर जो ऐसा आयोजन किया, यह बड़ा ही एक प्रशंसनीय और अनुकरणीय विषय है। इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य बहुत ही पवित्र है। हमने जैसा कि सुना है, यहां एक अस्पताल, विद्यालय, औषधियों की निःशुल्क व्यवस्था, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। कम से कम इस धरती के लिए जिन महानुभाव लोगों ने एक निगाह किया, यह हम लोगों को इस धरती के लिए एक आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ। आज के युग में जहां धार्मिक व्यवस्थाएं एक तरफ लोप हो रही है, कम से कम इसके जागरण के लिए दूर दराज से आए हुए हमारे आदरणीय सज्जन वृंद यह प्रचार के रूप में हमारे नेपाल की नगरी में एक सुसुप्त अवस्था में जो हमारा यह धर्म रहा है, इसको सेवा के माध्यम से यहां जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसका मेन लक्ष्य, मूल उद्देश्य सेवा ही हम मान के चल रहे हैं। सेवा महान धर्म है और यहां के सेवाओं के द्वारा इस बस्ती के तमाम लोगों को जो लाभ मिलेगा और जो फायदा होगा, वो बड़ा ही एक अनुकरणीय संदेश होगा। मैं इस आयोजना और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं हृदय से कामना करता हूं ये कार्यक्रम भव्य रूप से सफल हो और जो सोच हमारे विदेशी मुल्क से आए हुए जो हमारे मेहमान हैं, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम सिख समुदाय हमारे समाज में, हमारे जिले में एक अल्पसंख्यक के रूप में है, उनका उत्साह बढ़ेगा और एक इस जिले में एक इतिहास कायम होगा कि सिख संप्रदाय की तरफ से सेवाओं की जो प्रबंधन की जा रही है और न्यायिक प्रसन्नता के लोग। समय कम है हमारे अधिकारी महोदयों को, अभी और कुछ शेष कार्यक्रम बाकी है। दोबारा मैं फिर जो विदेश से आए हुए हमारे मेहमान और गुर्जर वृद्ध है, उनको एक बार मैं फिर वंदन करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामना देते हुए मैं अपने दो शब्द अंत करना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। इस हल्के के मेंबर पार्लियामेंट दिनेश चंद्र यादव जी, मैं बेनती करा बाबा अवतार सिंह जी हुना नू कि वो अपने कर कमलों के नाल साढ़े
इस हलके दे मेंबर पार्लियामेंट जी होना सम्मानित करेंगे। बोले सोनेहाल सो बहुत धन्यवाद करते हैं जी इन्हों का जिन्होंने अपनी इस पूरी व्यस्तता के विचों कुछ कु कीमती समा कढ़ के सिखनपुरा के इस पिंड शिरकत पाई। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों च नतमस्तक होए उपराशों के विचों इकट्ठा हो करके इस देश इस प्रांत इस नगर के लिए सोच रहा है। यह वाकई अपने आप के विच एक बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी तारीफ है। सो यह सब ता ही संभव हो सकया जब तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आशीर्वाद से तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का ओट आसरा जड़ा है वह सिख पंथ नूं सिखां नूं मिलता रहेगा। तो इस तरह के उपराले जड़े ने वो लगातार होंदे रहेंगे। सो हुण मैं